जय हिंद दोस्तों। चलिए आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम रोड पे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को हम बता दें कि आज हम आप लोगों के लिए क्लास टेंथ, क्या क्लास टेंथ के बच्चों के लिए, किसके लिए, क्लास टेंथ के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए दोस्तों एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जिसको अति लघु उत्तरी प्रश्न बोलते हैं। क्या अति लघु उत्तरी प्रश्न दोस्तों, तो आपके एग्जाम में सीधा छपने वाला है और अगर ना छपे तो आप बताइएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है। हाँ दोस्तों, इसके पहले हम आप लोगों को बता दें, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं दोस्तों। हाँ, अगर आप सर्च करेंगे एग्जाम रोड टेलीग्राम पे जाके हमारा सबसे पहले ऊपर आ जाएगा एग्जाम रोड, आप उसको ज्वाइन करिए और वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ये क्या कहता है जो आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत ही बार पूछा गया, आप देख पाएंगे 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22 दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिया है, आप लोगों के लिए लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में छपने वाला है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है इसको समझते हैं। खनिज तथा अयस्क की परिभाषा लिखो। खनिज तथा अयस्क की परिभाषा लिखो। तो दोस्तों खनिज क्या होता है, धातुओं के वह यौगिक जो पृथ्वी के अंदर खानों से प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। दोस्तों जो पृथ्वी के अंदर धातुओं के जो यौगिक होते हैं, हमको खाने मतलब कि उसको खदान करते हैं तो उससे हमको जो प्राप्त होता है उसको हम खनिज कहते हैं। लेकिन अयस्क क्या होता है, खनिज से जो हमें उपयोगी धातुएं प्राप्त होती हैं, अनुपयोगी नहीं दोस्तों, उपयोगी धातुएं प्राप्त होती हैं उसे हम अयस्क कहते हैं। लेकिन नोट, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं बल्कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। दोस्तों जो हम खोदेंगे वो सभी अयस्क नहीं होगा, लेकिन जितना अयस्क होगा वह सब हमको खोदने से ही प्राप्त होगा। तो चलिए इसका ट्रिक हम आपको बता दें कि के इज नॉट इक्वल टू ए, ए इज इक्वल टू के, मतलब सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे लेकिन सभी अयस्क खनिज होंगे। दोस्तों ये ट्रिक आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, आप कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। लोग पूछते हैं कि खनिज सभी खनिज अयस्क हैं या सभी अयस्क खनिज हैं, आप कंफ्यूजन में रहते हैं। ये एकदम सिंपल सा ट्रिक आप याद रखिएगा, के इज नॉट इक्वल टू ए, ए इज इक्वल टू के। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है दोस्तों, आयरन के प्रमुख अयस्क के नाम और सूत्र लिखिए। और आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है दोस्तों ये, आपके या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा या तो आपके अति लघु उत्तरी में पूछ लेता है। अब चलते हैं इसका आंसर क्या होता है, हम ये समझते हैं। आयरन के प्रमुख अयस्क का नाम लिखो। तो दोस्तों हेमेटाइट, क्या हेमेटाइट, इसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है, क्या Fe2O3। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सिनेबार क्या है, तो दोस्तों सिनेबार क्या है, सिनेबार HG मतलब पारे का एक अयस्क होता है जिसका सूत्र HgS होता है। दोस्तों जैसे आयरन का अयस्क हेमेटाइट था वैसे सिनेबार का जो अयस्क होता है वह क्या होता है, सॉरी HG का जो अयस्क होता है वो सिनेबार होता है, उसका फार्मूला HgS होता है। दोस्तों क्या होता है, HgS। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। हाँ, उसके पहले हम आप लोगों को फिर से बता दें कि दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। अगर आपको समझ में आ रहा, अगर आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा तो दोस्तों तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं वरना मत करिएगा। ठीक है, हाँ, जो करेंगे उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं करेंगे उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। सिलेरी मांसपेशियों के कार्य लिखो। सिलेरी मांसपेशियां दोस्तों क्या होती है, ये आंख में होती हैं। तो सिलेरी मांसपेशियां का मुख्य कार्य फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाना होता है। दोस्तों हमारे आंख के ऊपर, आंख के दोनों ऊपर और नीचे दोनों सिलेरी मांसपेशियां लगी होती है जो हमारी फोकस दूरी को बढ़ाती और घटाती रहती हैं। तो चलिए हमारा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख पाएंगे 17, 19, 20, 22 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्या कहता है दोस्तों, चलिए इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखो। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसको आप लोग न्यूमेरिकल भी बोलते हैं। तो चलिए इसका फार्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू साइन लैम्डा लैम्डा एम सॉरी डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए प्लस बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। दोस्तों जहां एन इक्वल टू पदार्थ का अपवर्तनांक हो जाएगा, ए इक्वल टू प्रिज्म कोण हो जाएगा और डेल्टा एम इक्वल टू विसनल कोण हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये हमारा क्या कहता है, बेबर किस भौतिक राशि का मात्रक है। दोस्तों ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, किसका है, चुंबकीय फ्लक्स का। दोस्तों लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि क्या चुंबकीय प्लस सदिश राशि या अदिश राशि है। तो दोस्तों यह एक अदिश राशि होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
सात की तरफ, कोई चार पारिस्थितिकी के नाम लिखो। दोस्तों क्या, चार पारिस्थितिकी के नाम लिखो। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप देख पाएंगे तो 9, 15, 18, 21 में पूछा गया, हो सकता है आपके एग्जाम में इस बार जरूर पूछ ले। तो चलिए अब हम चलते हैं, इसका आंसर ढूंढते हैं कि क्या होता है। तो कोई चार पारिस्थितिकी के नाम लिखिए, तो दोस्तों इसका क्या होगा, नंबर फर्स्ट तालाब हो जाएगा, नंबर बी झील हो जाएगा, नंबर सी हमारा जो होगा प्राकृतिक जंगल हो जाएगा, नंबर डी खेत हो जाएगा दोस्तों। हाँ, तो अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको चैनल से प्रॉफिट हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। हाँ, इसको दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन आप कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं दोस्तों। और एग्जाम रोड आप सर्च करें, क्या एग्जाम रोड, क्या दोस्तों एग्जाम रोड, ROAD, आप इसमें सर्च करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हमारा चैनल ग्रुप आएगा, उसमें आप जाएंगे ज्वाइन करेंगे, वहां से आपको सब कुछ जितने पीडीएफ अपलोड किए गए हैं सब आपको मिल जाएगा जो आप चाहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।